क्या होगा अगर हम पानी के अंदर सांस ले सकें तो? क्या होगा अगर हम भी मछलियों की तरह पानी के अंदर तैर सकें? कितना खूबसूरत नजारा होगा पानी के अंदर सांस ले पाना और समुद्री जीवों के साथ तैरना। अगर हम पानी के अंदर सांस ले पाते तो क्या हम धरती के महासागरों का रहस्य खोज पाते, या फिर शायद समुद्र के अंदर की गंदगी को देखकर उसे साफ करते? चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर इंसान पानी के अंदर सांस ले पाता। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करने से पहले एक सवाल, आप कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं? जहां तक मुझे उम्मीद है, अगर आप प्रोफेशनल डाइवर नहीं हैं या बजाऊ लोगों से संबंधित नहीं हैं जो कि 13 मिनट तक पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकते हैं, तो आप अपनी सांस 2 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, और कई परिस्थितियों में तो शायद 30 सेकंड भी नहीं। सिर्फ ऑक्सीजन को पानी से बाहर निकालने की योग्यता ही काफी नहीं है समुद्री निवासी बनने के लिए। इंसान का शरीर समुद्री जिंदगी के लिए बना ही नहीं है। अगर हम महासागर की गहराइयों में चले जाते हैं तो हम हाइपोथर्मिया से पीड़ित हो जाएंगे। ये तब होता है जब हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। हमारा दिल और हमारा नर्वस सिस्टम खराब होने लगेगा और बाकी के अंग भी धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देंगे। इंसान 90 मिनट से ज्यादा ठंडे पानी में जिंदा नहीं रह सकता। पर क्या होता अगर हम उतने पानी के अंदर नहीं जाते? क्या हम समुद्र के तट के आसपास ही बस जाते? जब हमने कहा कि हमारा शरीर समुद्री जिंदगी के लिए नहीं बना है, तो हमारा मतलब सिर्फ सांस लेने से नहीं था। हमारे शरीर पर ना तो इतने बाल हैं और ना ही इतना मांस जो कि ठंडे पानी में हमें गर्म रख सके और हाइपोथर्मिया से बचा सके। सिर्फ यही नहीं, हमारी आंखें भी पानी के अंदर देखने के लिए अनुकूल नहीं हैं। और अगर हम कोरल रीफ्स के आसपास नहीं होंगे तो वैसे भी हमारे पास 24 घंटे अंधेरे को देखने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों को साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम समुद्र के अंदर बोल नहीं पाएंगे सिवाय एक बार के, क्योंकि उसके बाद हमारे लंग्स में पानी भर चुका होगा। और हाँ, टेक्स्ट मैसेजिंग को तो भूल ही जाइए, बल्कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उन सबको भूल जाइए अगर वो वाटरप्रूफ ना हो तो। कल्पना कीजिए, रात का खाना आप अपने परिवार के साथ समुद्र में खा रहे हैं। क्या कभी प्रयत्न किया है कि राजमा चावल समुद्र के तल पर खाने का? गिल्स हमें समुद्री जीव बनने में मदद ना भी कर पाए, परंतु वो हमें कई अलग चीजों में मदद कर सकते हैं, जैसे कि समुद्र के अंदर निर्माण बहुत सुरक्षित होगा, ऊंची इमारतों से कूदने में हमारी मृत्यु नहीं होगी, और हाँ, शायद एक नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हम बना लें। अंडरवाटर मेट्रो सुनने में अच्छा लगता है ना? बहता हुआ पानी हमको हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, और शायद तब हम देखेंगे कि हमारे महासागर कितने प्रदूषित हैं। इतने सालों में जो प्लास्टिक और केमिकल्स हम महासागरों में फेंकते आ रहे हैं, देर सवेर हमें उसकी सफाई करनी ही पड़ेगी। हम नमक सहनशील फसलें उगाना शुरू कर देंगे ताकि समुद्र के अंदर हम अपना पेट भर सकें। इसलिए गिल्स वास्तव में हमारे जीवन को बदल देगा। क्या पता एक दिन ये चमत्कार बायो इंजीनियरिंग की मदद से पूरा हो सके और हम समुद्र की गहराइयों में सांस ले सकें।